देना तो तुसी की सी जिहड़ा साडा सी ओह वी खोई गए। कौन करता इदा? ये जो करोना विच बहुत मिसहैपनिंग इदा दी होई आ, बहुत डैथ होई आ, बट मैनू नहीं लगता कि इदा फैमिलीज कर दी आ। जिहड़ी मैनू नीड्स सीगियां, मतलब उन्होंने पुछिया मैनू स्पैशल लैके गए आ, इन्ना सपोर्ट, फिर मैं कहंदी आ कि वाहिगुरु तुसी, वाहिगुरु हैगा। अज मैं सारे नू कहना चाहनी, जो असीं दुख हो जांदा ना असीं कह दिंदे कि रब हैगा नहीं, है ना, खत्म हो गया। अगर वो कहंदे ना, अगर वो कुछ लै लैंदा ते उहदा कोई सोर्स भी बना दिंदा कि तुहाडी जिंदगी जो भी है कि चले, दुख हैगा वह चीज़ युवराज नू कोई नहीं लिया सकदा। उन्हें लैके गए, पता नहीं की जां मैं माड़े कर्म किते सी, जां युवराज ने किते सी, जां मेरे बच्चे ने किते सी, मैनू नहीं पता। वो चीज़ असीं नहीं लिया सकते, मेरे युवराज नू कोई नहीं लिया सकता, वो कमी नहीं पूरी कर सकते। बट जिहड़ा जिंदगी जीण लई सानू सपोर्ट चाहीदी सीगी, वह वाहिगुरु ने जरूर सानू दित्ती है। असी बाहर का ही सोचा सी, साडी ड्रीम्स सारियां बाहर दियां सीगियां, इनवैसटमेंट असी बाहर लई कीती होई सीगी, पर सानू नहीं पता सी कि एक मिनट च सारा कुछ खत्म हो जाऊगा। मेन तुहाडा प्यार कोई मैटर नहीं करता, जिथे तुसीं अपनी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं निभा रहे ते वह कोई मैटर नहीं करता। प्यार उत्थे है कि जिथे तुसीं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, रिश्ते निभा रहे हो, तुसीं नहीं निभाए ते वह मायने नहीं रखता वह प्यार। मैनू इदां दा प्यार नहीं चाहिए जिथे तुसीं सानू तोड़ के रखता, सा मेरे बच्चों नू रोल के रखता। इत्थों लगभग आपां कह लो भी जिथे खड़े हाँ 500 मीटर के उपर नवें बने चीफ मुख्यमंत्री साहब का घर होना गा। इतों 500 मीटर तक तुहाडी पहुँच कदे बनी इदा चन्नी साहब नू मिले, जां कोई उन्हां तक खबर पहुँचाई, जां तुहाडी मदद लई कुछ होया? थैंक यू सर, पहले तो तुसीं मैनूं ये सवाल पूछिया। मैं तुहानूं दसना चाहूँगी, हुण थोड़े दिन हो गया, हफ्ता 10 दिन में भी हो गया, तो मैं उत्थों तक भी अप्रोच पाई, मैं गई सीगी उत्थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्नी क बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहिंदे जिस तन लागे उही जाने, है ना, मैनू पता कोई देखदा उन्हां, जस्ट यही मेरी शॉप का दिखता होना, चलो मैं इत्थे काम कर रही हाँ, बट मैं किद्दां शॉप मैनेज करदी हाँ, मैं घर भी मैनेज करदी हाँ, बच्चे छोटे छोटे आ, मैं समान लैन भी जाती हाँ, बहुत टफ आ। मैं ये लाइफ च कभी सोचा नहीं सी कि मैं इन्ना ट्रैवल करूँगी। मैं सर डिप्लोमे किए हुए आफ्टर प्लस टू, मैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 साल का डिप्लोमा किया होया, और फैशन डिजाइनिंग का 1 साल का गवर्नमेंट ITI पठानकोट तो डिप्लोमे किए हुए दो। मैं तुहानू दस नहीं सकती, वो पूरा दिन इन्ना थक जाते हैं ना, घर जाते ही जस्ट बैड पर पै के उन्होंने ये नहीं पता होंगे कि असी बहुत ज़्यादा सर्वाइव ऐसी कर रहे हैं। मेरी साडे CM नू यही बेनती आ कि तुसी कहंदे हो धीआं बचाओ, बट धीआं नू तुसी बचा सकदे हो, क्योंकि हुण उह सारा कुछ देख के जो लाइफ दे हल्ली प्लानिंग सीगी बच्चियां लई, असी इंडिया दा नहीं सोचा सीगा, क्योंकि इत्थे असी देख चुके सी बहुत ज़्यादा सर्वाइव असी पहले भी कीता, ते कम से कम उत्थों फैसिलिटीज़ बेस्ट फैसिलिटी सीगियां, उहदे कारण असीं बाहर ही सैटल होना चाहुंदे सी। सानूं नहीं पता सी कि साडी लाइफ च विच इदां दा मोड़ आ जाऊगा कि सारा साडी प्लानिंग लगा लो ड्रीम्स इत्थे ही रह जाऊंगे, सब कुछ इत्थे ही रह गया तरह तरह। दर्शको, साडे वल्लों भी एक बेनती तुहानूं सारिआं नूं है, इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो, साडे लई नहीं दीप कुमारी दे लई, कितें इन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है वह, क्योंकि इत्थों 500 मीटर जिहड़ा घर है सारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी होरां दा, उन्हां तक इन्हां दी आवाज़ पहुँच जाए कितें। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस किरै, बेपत परी सब ही संग छाड़त कोऊ ना आवत नीरै। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सुखबीर सिंह चैणा ते पंजाब न्यूज़ देख रहे हो। दर्शको, अज असी खड़े हाँ खरड़ तहसील दे इत्थे दीप कुमारी जो साडे नाल ने इन्हां दे जूस बार दे उपर खड़े हुए हाँ।
एक समा सी एक हसदी खेडदी जिंदगी कई देशां दी यात्रा और विदेशां विच वसन दे सुपने दुनिया दे सारे सुख साधन मौजूद सी दीप कुमारी दे कोल। पति दी अचानक मौत हो जाती है विदेश दे विच और दुखां दा पहाड़ इन्हां उत्ते टुट पैंदा। सो अज इन्हां दी जिंदगी इन्हां दे संघर्ष दे बारे इन्हां दृढ़ता दे बारे आपां इन्हां गल्लबात करांगे। आओ स्वागत करदे हां दीप कुमारी दा। भैन जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर जी। दीप हसदी सोहनी जिंदगी सी, उस तो बाद फिर आ जिहड़ा है आ जूस दी तुसीं दुकान चला रहे हो, इहदे सारे पिछे की कहानी है? सर इत्थे आन दा मेरा रीज़न ये हैगा मेरे हसबैंड दी डैथ तो बाद ही मैनू ये स्टैप लेना पिया कि अज वो होंगे शायद मैं इत्थे ना होंगी, बट उन्हां दे ना होने दे कारण ही कि मैं अपने बच्चों की परवरिश लई अज एक जूस बार चला रही हाँ। दीप वो कहानी की है सारी, की हो गया सी पति नूं? जी वो रशिया टूर ते गए सीगे, चार दिन का ही टूर सीगा, नैक्सट डे उन्हां दी वापसी सीगी, ते उत्थे जाके अचानक उन्हां दी एक ट्रैम एक्सीडेंट दे विच एक्सीडेंट होने कारण डैथ हो गई सीगी। अच्छा, डैथ हो गई अचानक उन्हां दी विदेश दे विच ही? हाँ जी, रशिया विच। और उस तों बाद फिर तुसीं ये जूस दी दुकान बारे किवें सोचिया? जो सर कुछ भी नहीं हुंदा, एक हसबैंड हुंदा, जो साड़ी फैमिली स्टार्ट हुंदी है सारी रिस्पोंसिबिलिटी एक बाप दे सिर हुंदी है, जो बच्चे हो जाते हैं जो वही दुनिया तो चला जाता है तो सारी रिस्पोंसिबिलिटी एक माँ ते पै जाती है। उन जो उन्हां दी डैथ हो गई, बच्चे बहुत छोटे सी, 7 मंथ का मेरा बेटा सी, 1.5 साल की मेरी बेटी सी, तो कोई सोर्स नहीं सी साढ़े कोल, तो बच्चों की परवरिश लई मैनू तो कुछ करना ही पैना सी क्योंकि किसी ने साथ नहीं दिता। इन लॉज लई तो यह हो गया कि हसबैंड अगर चला गया तो हुण यह भी खत्म आ। उन्होंने एक कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अपने मुँह तो ही बोलता कि असी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं चक सकते बच्चों की। घर में कौन कौन ने हुण? पहले मैं सीगे और मेरी मदर इन लॉ सी और 2 जेठ सी और जेठानियाँ सीगियाँ, और इस टाइम मैं और मेरे बच्चे हाँ, वो बाकी सारे अपने अपने सैपरेट है, उन्होंने कोई रिस्पोंसिबिलिटी किसी की नहीं चक्की, जिदी वजह नाल सानू अज इत्थे काम करना पै रहा। नहीं फिर दीप, पति का कारोबार सी तुहाड़ा टूर एंड ट्रैवलिंग का, चंगा कारोबार सी, ते तुसी उस पासे वाल नहीं तुसी गए? कारोबार सर असी पहले एक्चुअल जो मैरिज हुई सी उस तो असी 2-3 महीने बाद असी चले गए सी फॉरन, तो मेरी बेटी का बर्थ ग्रीस च ही होया सी, असी उत्थे 10 महीने रहे हाँ। असी जो इत्थे आया फिर बेटे का बर्थ होया, आफ्टर 1.5 महीने बाद मेरे बेटे का बर्थ इत्थे हो गया इंडिया से। हुण भी साड़ी प्लानिंग बाहर दी सीगी, तो इत्थे कोई ज़्यादा साड़ा कोई बिजनेस कुछ नहीं सीगा, टूर एंड ट्रैवल का किसी नाल करदे सीगे, तो जो वो लास्ट टाइम भी ही एक टूर दे नाल गए हुए सीगे, मतलब टूर लैके गए हुए सी जिथे उन्हां दी डैथ हो गई, इत्थे साड़े अला कोई सेटअप कुछ भी नहीं सी काम दा, बिकॉज असी बाहर का ही सोचा सी, साड़ी ड्रीम्स सारियां बाहर दियां सीगियां, इन्वेस्टमेंट असी बाहर लई कीती हुई सीगी, पर सानू नहीं पता सी कि एक मिनट च सारा कुछ खत्म हो जूगा। तुसी कह रहे हो भी तुहाडे पति दी मौत हो गई, पर उस तो बाद अक्सर पति दा घर सी जां तुहाडे जेठ सन, 2 जठानियां सी, तुहाडी सस ने, तुहाडी माता है, हुण तुसी उन्हां दे नाल रह रहे हो? नहीं सर, हुण मैं इस टाइम मैं और मेरे बच्चे रहने हैं, वो एक जेठ मेरा ऑलरेडी 2019 तो ही बाहर रह रहा सीगा, ते मम्मी आफ्टर डैथ उन्हां नाल चले गए सीगे, एक जेठ जठानी मेरे उपर वाले फ्लोर ते रहिंदे आ, वो एज इट इज़ उत्थे ही रह रहे हैं, बट उन्होंने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा जो डैथ हुई है उल्टा टोर्चर करना ना स्टार्ट उत्ता, पार्सैलिटी की गई और उन्होंने साफ ही कहता सी कि सॉरी असी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं चक सकते, जिदी वजह नाल मैं अज काम कर रही हूँ। अच्छा, मतलब कि जेठ जठानी और सस घरदिया ने दूजिया ने तुहानू देता जवाब भी असी तुहानू कुछ नहीं कर सकते? पर दीप बच्चे बैठे ने दो तुहाडे खेड रहे ने, ये बच्चों तो अपना समझते होंगे घट्टो घट? यही सवाल मेरा सीगा, समझन लई की है सर, जड़ी चीज़ रिश्ते हैगे अगर वो कहंदे आ प्यार करदे आ दुनियादारी, प्यार तो सारे करदे मेरे बच्चों, मेरे बच्चे इदा दे कि हर एक कोई प्यार करदा, गल वो है कि प्यार दे नाल रिश्तियां नाल रिस्पोंसिबिलिटीज़ भी हुंदियां,
मेन तुहाडा प्यार कोई मैटर नहीं करता, जिथे तुसी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं निभा रहे ते वो कोई मैटर नहीं करता। प्यार उत्थे है कि जिथे तुसी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, रिश्ते निभा रहे हो, तुसी नहीं निभाए ते वो मायने नहीं रखता। वो प्यार मैनू इदां दा प्यार नहीं चाहिए। जिथे तुसी सानू तोड़ के रखता, सा मेरे बच्चे नू रोल के रखता, अज इन्ना टाइम हो गया मैं इत्थे काम कर रही हूँ, पूरी गर्मियों च मेरे बच्चे इत्थे ही रहे है। अगर मैं सर्वाइव कर रही हूँ ना, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रगल मेरा नहीं है, मेरे बच्चों ने भी उन्ना ही स्ट्रगल किया जिन्ना मैं किया। और इहदा रीज़न वो है जो मेरे बच्चों ने प्रॉब्लम फेस कीतियां, मैं प्रॉब्लम फेस कीतियां, इहदे सा रीज़न कितने ना कितने उही। अगर वो सपोर्ट करते, वो पार्शियलिटी नहीं करते, टॉर्चर मैंटली हरासमेंट मैनू नहीं करते, सारा कुछ खोन दी, मतलब उन्होंने यही सोचा कि घर वाला चला गया, खोई जाओ, देना तो तुसी की सी जिहड़ा साडा सी वह भी खोई गए, कौन करता इदा। ये जो करोना बच्चे बहुत मिसहैपनिंग इदा दई है, बहुत डैथ हुई है, बट मैनू नहीं लगता कि इदा फैमिलीज़ कर दी है। इस मेरी की गलती सी अगर डैथ हुई सी, बच्चे तो उन्होंने सके, मतलब मेरी की जिम्मेवारी, जो मेरा की खर्चा सी, मेरे बच्चों का भी नहीं निभा सकते। कहना बड़ा आसान होंगे, असं प्यार करते हैं बच्चों, प्यार में रिस्पोंसिबिलिटीज़ भी इनकलूड होंगे, वो कितने निभाई गई, मैं जवाब चाहिए। अच्छा दीप, चलो वो थोड़ी घर का आप है ना, वो भी आप करा गलबात पूछा, फिर तुम आ जूस के बारे किमें सोचा? सर देखो, जो मैनू काम आता सी उस टाइम, मेरी बच्चे छोटे सी, मेरी इदा की कंडीशन भी नहीं सी कि कितने मैं जॉब कर लाँ, क्योंकि जॉब जिथे करनी सी मैनू जाना पैना सी, उन्हां दा टाइम टेबल तो नहीं पता ही है, बच्चों आपां नहीं मैनेज कर सकती सी, क्योंकि बच्चों की रिस्पोंसिबिलिटी मेरे सिर सी, किन्ना टाइम कोई कटवा दूगा, रिश्तेदार लगा लो, कोई भाई भैन नहीं कटवाता इन्ना टाइम, जो मैनू पता सी मेरी लाइफ इदा की होगी हूँ, मैनू ही सर्वाइव करना पैना, तो मैं अपने बच्चों भी टाइम देना सी, क्योंकि बहुत छोटे से, अगर बाप ही चला गया मैं ही सी उन्हां दी टेक केयर करने लई, तो मैं चाहती सी मेरे बच्चे मेरे नाल रहन, सेफ रहन, है ना। तो मैं ये काम स्टार्ट किया, काम तो मैं होर भी किया सी, पहले मैं कपड़े का काम स्टार्ट किया, ठंड बहुत सी दिसंबर जनवरी के टाइम, तो भी मेरे बच्चे उत्थे ठंड विच मेरे नाल बैठते सी, और रोड ते मैं एक साइड जिदा फड़ी लगा लो, एक साइड मैं कपड़े रख के उत्थे भी काम स्टार्ट किया, बट नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों नाल मैनेज नहीं हो पाया, रोड सीगा मेन, बच्चे दौड़ते भजते सी उधरों, ठंड सी, फिर मेरे तो नहीं मैनेज होया। फिर मैं अपील पाई सी मिस्टर हिमांशु जी सर, जिहड़े SDM सीगे इत्थे साडे, उन्होंने साडी बहुत हैल्प की है, मेरे बच्चों उन्होंने अज रोटी रोटी लगाई है, अगर उन्होंने सानू अप्रूवल दी है इत्थे काम करन दी, जिहदी वजह नाल अज मैं ये बूथ मैं खुद तैयार करवाया सी, परमिशन उन्होंने दी सी, जिन्हों की वजह अज मैं इत्थे बैठ के अपनी रोजी रोटी कमा रही और अपने बच्चे पाल रही हूँ। हाँ जी। अच्छा दीप, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ ਟੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ 2। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੌ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਬਟ ਬੱਚੇ 2 ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਫਲੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਪ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਊਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਮੇ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇ ਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਬਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਪ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ?
बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहिंदे जिस तन लागे उही जाने है ना, मैनू पता कोई देखदा उन्हां जस्ट यही मेरी शॉप का दिखता होना, चलो मैं इत्थे काम कर रही हाँ, बट मैं किद्दां शॉप मैनेज करती हाँ, मैं घर भी मैनेज करती हाँ, बच्चे छोटे छोटे आ, मैं समान लैन भी जाती हाँ, बहुत टफ आ। मैं लाइफ से कभी सोचा नहीं सी कि मैं इन्ना ट्रैवल करूँगी, कभी भी नहीं सोचा सी, क्योंकि हस्बैंड ने तो सानू इदा ही रखा सी, चाहे वह बच्चे से चाहे मैं सी, उन्होंने सानू कभी नीचे पैर भी नहीं पा दिता सी है ना काम के रिगार्डिंग, बट बहुत औखा हो गया। हुण हर एक चीज़ आपे मैनेज करना पैंदी है, बहुत टफ आ। कल्ला बंदा होए किते ना किते चलो भज दौड़ के इधर उधर कर लैंदा, बच्चों नाल बहुत औखा, क्योंकि हुण भी मैं कह रही हूँ जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना, मेरे बच्चे बोल नहीं सकते बट वो मेरे नाल बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा दीप, जी महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने मनीषा गुलाटी, वो तुहाडे कोल आई सी, उन्होंने तुहाडे नाल कोई वादा किया, कोई तुहाडे नाल कहा भी नौकरी दवाउणगे जां कुछ करनगे इदां दा? हाँ जी हाँ जी, मैं ओ मैम जी आए सी इत्थे ते उन्होंने अप्रीशिएट किया सी, हौसला वधाई मेरी कीती आ, ते वो आए सी, मैं उन्होंने अपील की सी क्योंकि मेरा ये बूथ है वो बैक साइड है, तो जिथे काम नहीं चलता क्योंकि इतने पार्किंग है उस एरिया च, तहसील फ्रंट पैंदी आ, तो मैं अपील की सी कि मेरा बूथ फ्रंट से करवाया जाए। एक तो ये किया कि इनकेस जिदा हुण कोई लॉकडाउन चल जाता है जां कोई स्ट्राइक चलती रहती है, काम बिल्कुल भी नहीं हुंदा, ये तो एक चलो टाइम पास मैं कर रही हाँ, एक मैं ये अपील की सी, एक मैं गवर्नमेंट जॉब की कीती सी कि वो मैनू मिल जाए, वो मच बैटर होगा कि नैक्सट टाइम मेरे बच्चों के फ्यूचर लिए मैं सिक्योर हो जूगा, मेरा जो मैं सोचा मेरे ड्रीम पूरे हो जूंगे है ना बच्चों के प्रति, बट अपील पाई हुई है हले उदे कुछ भी नहीं होया। अच्छा दीप, वक् वक् मीडिया प्लेटफॉर्म के उपर लोगों ने तुहानू देखिया सुनिया भी है, तुहाडी समस्यावां समझी भी है, मैं लगता मदद लई भी कुछ ना कुछ संगठन तुहाडे सामने आए, इत्थों लगभग आप कह लो भी जिथे खड़े हाँ 500 मीटर के उपर नवे बने चीफ मुख्यमंत्री साहब का घर होना गा, इतों 500 मीटर तक तुहाडी पहुँच कदे बनी इदा चन्नी साहब नूं मिले जां कोई उन्हां तक खबर पहुँचाई जां तुहाडी मदद लई कुछ होया? थैंक यू सर, पहले तो तुसीं मैनूं इह सवाल पुछिआ, मैं तुहानूं दसना चाहूँगी हुण थोड़े दिन हो गया, हफ्ता 10 दिन में भी हो गया, तो मैं उत्थों तक भी अप्रोच पाई, मैं गई सीगी उत्थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्नी क फ्रस्ट्रेट हो गई सी, हुण पिछे मैं इन्नी बीमार हो गई सी, 22-23 दिन मैं शॉप नहीं ओपन कर पाई, मेरे बेबी बीमार सी, उस तो बाद मैं बीमार हुई हाँ, तो मैं इन्ना क डीमोटिवेट हो गई सी क्योंकि मेरा काम उही है कि जिहड़ा मैं कमाऊँगी मैं उही खिलाऊँगी, इनकेस मैं बीमार हो गई हाँ कोई भी नहीं है ना केयर करने वाला लगा लो जां कोई कमाण वाला, तो उस परपज तो लैके मैं गई सी उन्होंने उन्होंने मिलन, बट सर मिल नहीं पाए सी साडे जिहड़े सीएम हैगे आ, ते ओ दिल्ली दिल्ली गए हुए सीगे, ते मैं उन्होंने रिक्वेस्ट जो भी उन्होंने उत्थे सीगे ऑफिस सीगे प्रेजेंटली उस टाइम, तो उन्होंने मैं अपील की सी कि सर जो भी आन तो मतलब साड़ी जो प्रॉब्लम नू देखन और साड़ी हेल्प करन, मैं जॉब ले भी अपील पाई है क्योंकि मैनू बहुत औखा लग रहा बच्चों नाल सरवाइव करना बहुत ज़्यादा औखा, तो मैं चाहनी हाँ कि वो इत्थे बैठे साडे कोल आन और साडी प्रॉब्लम नू देखन कि मैं किद्दां सरवाइव करदी हाँ, मेरे बच्चे किद्दां स्ट्रगल कर रहे, अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, कितने ना कितने मेरे बच्चों की जो खेलन की उम्र सी वो पूरा दिन की सारा धुप्प च रहिंदे आ, मैं तुहानू दस नहीं सकदी, वो पूरा दिन इन्ना थक जांदे आ ना घर जांदे ही जस्ट बैड ते पै के उन्हां नूं ये नहीं पता हुंदा कि असी बहुत ज़्यादा सरवाइव ऐसी कर रहे हैं, मेरी साडे सीएम नूं यही बेनती आ कि तुसी कहंदे हो धियां बचाओ बट धियां नूं तुसी बचा सकदे हो क्योंकि इस उम्र च करोना की वजह ना बहुत घर बर्बाद होए आ, जिहड़ी सिंगल्स मदर रह गईआं उह बच्चों नूं किद्दां पाल रही हैं क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हैगा, तो तुसी प्लीज़ इन्नी क हैल्प करो कि उन्हां नूं गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करो सरकारी सहूलतां प्रोवाइड करो तां कि उह अपना सर्कल अपने बच्चे पाल सकन, तो मेरी उन्होंने अगर अपील है कि जिते भी मेरी अगर उन्होंने तक वीडियो पहुँचती है वो मेरे को इतने जरूर आन और साडे हालात देखन साडा काम देखन और जो भी हो प्लीज़ सानू गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाए, मेरे वर्गिया होर भी धियाँ जिन्हों का एक रोज़गार चले जिड़ी बैठ के अपने बच्चे नू पाल सकन, उन्होंने ट्रबल ना करना पे इन्ना। सो दर्शको, साडे वल्लों भी एक बेनती तुहानू सारयां नू है, इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करो, साड़ी लई नहीं दीप कुमारी दे लई, किते इन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है
वह क्योंकि इतों 500 मीटर जिहड़ा घर है सारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी होर दा उन्हां तक इन्हां दी आवाज़ पहुँच जाए किते तां जो किते ना किते इन्हां दी सहायता हो सके। इदां दीप एक मैं विच रह गई गल, मैनूं लगदा तुसीं बहुत देशां च घूमे फिरे हो है ना, किहड़े किहड़े देश तुसीं घूमे? सर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ, हसबैंड नाल ही उन्होंने ही ट्रैवल करवाया सानू। जो मैं सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड गई हुई हाँ, सर्बिया, आर्मेनिया गई हुई हाँ, ग्रीस मेरी बेटी का बर्थ होया सीगा, तुर्की गए सी और मैकडोनिया, हर एक जगह पर मैं घूमी हुई है। बट उन्होंने हूँ सारा कुछ देख के जो लाइफ की हमारी प्लानिंग सी बच्चों लिए असी इंडिया का नहीं सोचा सीगा, क्योंकि इतने असी देख चुके सी बहुत ज़्यादा सर्वाइव असी पहले भी किया, तो कम से कम उतो फैसिलिटीज बेस्ट फैसिलिटीज सीगियाँ, उदे कारण असी बाहर ही सैटल होना चाहते सी। सानू नहीं पता सी कि साड़ी लाइफ विच इदा दा मोड़ आजूगा कि सारा साड़ी प्लानिंग लगा लो ड्रीम्स इत्थे ही रह जूंगे, सब कुछ इत्थे ही रह गया तरह तरह। सो दर्शको, ए सन दीप कुमारी, जिंदगी हसदी खेडदी, पता ही नहीं किहड़े पासे नूं चली गई और अत दे दुखां दे वल, अत दे नगार दे वल। ये छोटे बच्चे ने 2.5 साल दा, एक बच्चा 1.25 साल 1.5 साल दा, इन्हां दा भविख आ जिहड़ा वह किधर नूं जाएगा? दीप कुमार जी दी उम्र कोई बहुती नहीं है, इन्हां दा भविख किहड़े पासे नूं जाएगा? ये परमात्मा उस रब दे हत्थ है। सो इदां दियां जिहड़ियां घटनावां ने वो सचमुच सानू ये सिखाउंदियां ने वी जिंदगी दा कोई पता नहीं किदां कदों मुसीबत कदों दुख आ जाने, पुछ के नहीं आउंदे। अच्छा दीप, मेरा लास्ट सवाल है तुहानू, संगठनां दे वल्लों जां धार्मिक जथेबंदियां दे वल्लों, समाज सेवी संगठनां दे वल्लों कोई मदद होई तुहाडी? सर मैं तुहानू इह दसना चाहनी हाँ, वह तो नहीं है, बट जिहड़े मेरे बार वीर जी भैन जी बैठिया हुई उन्होंने सानू सपोर्ट किया, मेरे भैन भरा बने आ, मैनू वह चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो दुख हुंदा ना फर्स्टली तुहानू एक हौसले की जरूरत हुंदी है ना, जिहड़ा तुहानू खड़ा करन च हिम्मत दिंदा कि तुसीं अपने आप नू स्टैंड करदे हो। अगर वह हौसला भी मैनू नहीं मिलिया सीगा, साड़ी जिहड़े उत्थे मैं रहनी हाँ गली मुहल्ले ने मैनू बहुत सपोर्ट किया, हौसला मैनू परिवार तो नहीं मिलिया सी, जिहड़ा मैनू उन्होंने हौसला दे के अज मैं तुहाडे अगे खड़ी हाँ। बाकी मेरे जिहड़े भैन भरा बार जितों जदों मेरी वीडियो वायरल हुई आ उन्होंने मैनू इन्ना सपोर्ट, जिहड़े मेरे कुछ नहीं लगते सीगे, कोई रिश्ता नहीं सी मेरा मेरे नाल मेरे बच्चे नाल, बट वो मेरे नाल गल करके रोंदे सीगे। मैं हैरान सीगी, मैं एक टाइम इदा कहती सीगी कि भगवान खत्म हो गया, वाहिगुरु हैगे नहीं, मैं गुरुद्वारे जाना बंद करता, मैं इन्ना टुट गई कि है ही नहीं रब है ना। बट उस परमात्मा ने मैनू दिखाया कि कहिंदे जो कोई मेहनत करता हिम्मत करता वह नाल विराजमान हुंदे आ, तो उस परमात्मा ने अपने रूप च वह इंसान भेजे जिन्होंने सानू इन्ना हौसला दिता और सानू सपोर्ट भी किया। बहुत बार मैं नहीं कहती, मैं कहनी इंडिया चाहे इंसानियत हर एक बंदे चाहे, बट मर गई हुई है जिन्हें च, बट इंसानियत जिंदा सीगी वो साढ़े तक पहुंची है, मेरे शॉप पर आके एप्रीशिएट करते, मेरे बच्चों को प्यार दे के जाते, सानू सपोर्ट भी किया। एक वीर जी मेरे अमेरिका बैठे अज मैं शेयर करना चाहनी तो ना, गुरप्यार वीर जी, उन्होंने अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ नू स्पैशल मेरे को भेजा, उदो मैं इन्नी टेंशन सी, 2 दिन बाद मैं शॉप खोली हूँ की गल है, तो मैंने इन्नी टेंशन सी कि हूँ समर चला गया, मैं विंटर का अगर कुछ काम स्टार्ट करूँगी मेरे को कुछ नहीं है, उधर मैं बच्चा ठीक नहीं है, मैं किदा मैनेज करूँगी। वो नाल दी नाल बिना दसे मैनू आ गए, मेरे को बैठे उन्होंने कहा कि सानू इदा उन्होंने भेजे, तो तुम अपना विंटर से जोड़ा काम स्टार्ट करना समान लै लो, मेरा बिना कहे, मैं उन्होंने कहा भी नहीं, उस परमात्मा ने हले मेरी सोच तो परे वो चीज़ मेरे को भेज भी दी है, वह जाके उन्होंने मैनू माइक्रोवेव लिया के दिता, सैंडविच मेकर लैके दे दिता, जिहड़ी मैनू नीड्स सीगियां मतलब उन्होंने पूछा मैनू स्पैशल लैके गए आ, इन्ना सपोर्ट। फिर मैं कहती हाँ कि वाहिगुरु तुसीं, वाहिगुरु हैगा। अज मैं सारे नू कहना चाहनी, जो असीं दुख हो जांदा ना असीं कह दिंदे कि रब हैगा नहीं है ना, खत्म हो गया, अगर वह कहें ना
अगर वो कुछ ले लेंदा ते उदा कोई सोर्स भी बना देंदा कि तुहाडी जिंदगी जो भी है कि चले दुख हैगा वो चीज युवराज नू कोई नहीं लिया सकदा उन्हें लैके गए पता नहीं की जा मैं माड़े कर्म किते सी जा युवराज ने किते सी जा मेरे बच्चे ने किते सी मैनू नहीं पता वो चीज असी नहीं लिया सकते मेरे युवराज नू कोई नहीं लिया सकदा कमी नहीं पूरी कर सकते बट जड़ा जिंदगी जीन लई सानू सपोर्ट चाहिदी सीगी ओ वाहेगुरु ने जरूर सानू दित्ती है बाकी सारे भैन भरावां नू हाथ जोड़ के मेरी बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहनी हाँ जिन्होंने सानू इस दुख टाइम हौसला दिता और सानू सपोर्ट कीती और मैनू हमेशा उन्हां दी सपोर्ट दी जरूरत आ एज आ मैं चाहनी हाँ जिदा साडे नाल रहिण मेरे नाल गल करदे ओह करदे रहिण तां कि मैनू लगे कि मेरे भैन भरा हैगे आ कि सानू हौसला दे रहे आ जो मैनू हौसला ही चाहीदा मैनू उन्हां दी ब्लैसिंग्स चाहीदी आ सो दर्शको ए सी दीप कुमारी दी कहानी उन्हां दे दुख सो जे कोई भी समाजिक संगठन धार्मिक जथेबंदी जां कोई लीडर नेता इन्हां दी मदद करेगा तो एक तरह दे नाल कहिंदे हुंदे ने गरीब दा मूंह गुरु दी गोलख हुंदी है सो असीं वी तुहाडे सामने बेनती करदे हां कि इन्हां दी मदद जरूर करो इन्हां तक पहुँच करो त खरड़ तहसील दे विच इन्हां दा ये खोखा बनिया होया है मैं सुखवीर सिंह चैणा पंजाब न्यूज़ लई खरड़ तों धन्नवाद।